नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है और जिले की सीमाओं पर चेकिंग और निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध शराब, हथियार और संदिग्ध वस्तुओं पर सख्त कार्रवाई करने के भी यहां पर निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने, लोकसभा चुनाव चूंकि नजदीक और इसी के मद्देनजर एमपी निर्वाचन आयोग एक्टिव, चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग जुट गया है। जिले की सीमाओं पर चेकिंग और निगरानी बढ़ाने के आदेश यहां पर जारी कर दिए गए हैं। सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही अवैध शराब, हथियार और संदिग्ध वस्तुओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी यहां पर जारी किए गए हैं। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रमोद, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में एमपी निर्वाचन आयोग जुट गया है, तमाम दिशा निर्देश यहां पर जिला कलेक्टरों को जारी किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन जुटा है उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। एमपी इलेक्शन कमीशन ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वो सभी जिलों की जो बॉर्डर है वहां पर सख्त चेकिंग यानी सुरक्षा बढ़ा दें, ताकि चुनाव को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे पैसा हो या फिर दूसरी चीजें, उन पर निगरानी रखें और इनके अवैध परिवहन पर अंकुश लगाएं पूरी तरीके से। साथ ही साथ जिलों के बाहर जो वेयर हाउस है उनमें क्या रख रखाव हो रहा है उनकी पूरी समय समय पर चेकिंग होना चाहिए। दरअसल इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इलेक्शन से पहले ये सुनिश्चित कर लिया कि कहीं पैसों का, अवैध धन का और शराब का जो चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक हैं या फिर हथियारों का कहीं जखीरा तो नहीं बन रहा है, कहीं स्टोरेज तो नहीं हो रहा जो इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वो चेकिंग और ज्यादा सख्त कर लें। देखिए, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां बता रही है कि मध्य प्रदेश में कभी भी लोकसभा चुनाव का डंका बज सकता है। बिल्कुल प्रमोद, और आप बने रहिए हमारे साथ, अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे।